हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक इफेक्टिव थंबनेल कैसे क्रिएट करें अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए। इफ़ यू आर नॉट अ बिगिनर देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, सो लेट्स गेट स्टार्ट। व्हाई आर थंबनेल्स इम्पॉर्टेंट? इफेक्टिव थंबनेल बनाने के लिए फर्स्टली हमको ये समझना होगा कि थंबनेल क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो थंबनेल ही वो फर्स्ट थिंग या इम्प्रेशन होता है जो ऑडियंस को YouTube चलाते वक्त सबसे पहले दिखता है। सो दैट्स व्हाई द थंबनेल आर प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल टू गेटिंग अ क्लिक फ्रॉम द ऑडियंस टू योर वीडियो। एक अच्छा थंबनेल ही डिसाइड करता है कि आपका वीडियो एक हंड्रेड्स ऑफ व्यूज पाएगा या फिर मोर देन थाउजेंड्स ऑफ व्यू। तो वीडियो को सिंपली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इफेक्टिव थंबनेल क्रिएट करने के लिए क्या करें क्या ना करें। सो फर्स्ट थिंग जो आ जाती है हमारी वो है यूज़ हाई क्वालिटी इमेजेस। थंबनेल क्रिएट करने से पहले मेक श्योर रहो कि जो भी इमेज या पीएनजी का आप यूज़ कर रहे हो वो क्लियर हो एंड हाई रिजोल्यूशन की हो, बिकॉज हाई क्वालिटी इमेजेस विल हेल्प योर थंबनेल टू लुक अ प्रोफेशनल एंड अट्रैक्टिव। इसके अंदर हमारा जो सेकेंड पॉइंट आ जाता है वो है चूज़ रिलेवेंट इमेज। थंबनेल क्रिएट करते समय ध्यान रहे कि आप जो भी इमेज का यूज़ कर रहे हो वो आपके वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड हो। ये नहीं हो कि वीडियो में आपने बताया है हाथी के बारे में एंड आपके थंबनेल में है गधा। वाह भाई, इसे आपकी ऑडियंस पे एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा जिससे वो नेक्स्ट टाइम आएगी कि नहीं आएगी ये तो पता नहीं भाई। इसीलिए अच्छा यही होगा कि अगर वीडियो में हाथी है तो आप थंबनेल में भी हाथी ही डालो। सो थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, इसके अंदर है हमारा यूज़ बोल्ड टेक्स्ट एंड इनवर्स कलर। इसमें आपको जो भी थंबनेल आप क्रिएट करोगे उसमें आप मेक श्योर रहो कि बोल्ड फॉन्ट्स का यूज़ करो जिससे वो आपके थंबनेल्स पे क्लियरली रीडेबल हो एंड जो भी कलर यूज़ करो वो इनवर्स रिलेशन हो ऑफ टेक्स्ट कलर एंड द बैकग्राउंड कलर। राइट, मतलब आपके जो टेक्स्ट का कलर अगर लाइट है तो बैकग्राउंड आपका डार्क थीम में रहेगा, अगर बैकग्राउंड लाइट है तो टेक्स्ट आपका डार्क में रहेगा तो क्लियरली विजिबल होगा। ओके, आपको इसी कॉम्बिनेशन लाइक वाइट एंड ब्लैक एंड ग्रीन एंड रेड इस कॉम्बिनेशन से जिससे आपकी थंबनेल जो है इजीली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडिंग हो। देन नेक्स्ट थिंग जो आ जाता है हमारा वो है कीप इट सिंपल। इसके अंदर आपका जो भी क्रिएट करोगे थंबनेल वो एकदम सिंपल रखो। राइट, कि मतलब एक बार में जो भी आपका टेक्स्ट रहे जो भी एलिमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो थंबनेल पे वो एक ही बार में विजिबल हो। आपकी ऑडियंस का एक बंदा जो सब्सक्राइबर है वो एक बार देख के आपको समझ जाए कि भाई वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। एंड इसके बाद जो आता है हमारा वो है मेक अ कंसिस्टेंट स्टाइल। इसके अंदर आपको क्या करना है कि आप जो भी थंबनेल क्रिएट कर रहे हो ना उसकी अगली थंबनेल उससे थीम आप पकड़ लो, कि मतलब आपका जो एक थीम बेस आपका जो थंबनेल बनना चाहिए वो थीम बेस बनना चाहिए। लाइक आपने थगेश का देखा होगा, उसके अंदर आपका जो भी थंबनेल वो क्रिएट करते हैं वो एक थीम पे रहती है। भाई उनका थंबनेल किधर भी देखो भाई ये थगेश का थंबनेल है ऐसा लगेगा। ओके, तो इस तरह से आप भी अपने जो थंबनेल्स का है एक थीम क्रिएट करो, आपका जो ब्रांड क्रिएट करो आपके चैनल पे, कि बंदा आएगा भाई देखेगा कि ये प्रोफेशनल चैनल है इसको मैं सब्सक्राइब करूंगा तो आपके एक सब्सक्राइबर भी पड़ जाएंगे। ओके, किसी को बताना नहीं। तो गाइस अब तक जो हमने देखे कि क्या क्या करना चाहिए हमारे थंबनेल्स को एक गुड और अच्छा इफेक्टिव बनाने में, तो यहीं पे कुछ इसकी चीज़ें भी हैं कि जिनको अवॉइड करना चाहिए इग्नोर करना चाहिए। तो वो चीज़ें क्या है हम चलो बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वो है मिसलीडिंग इमेजेस। आपको अपने थंबनेल में मिसलीडिंग इमेजेस का यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, वो है ओवरलोड विद द टेक्स्ट। इसके अंदर क्या होता है कि भाई टेक्स्ट से भर देते हैं पूरा थंबनेल, खाली टेक्स्ट ही टेक्स्ट चमकता है। तो भाई इतना खिचड़ी नहीं करने का है, जितना इजीली हो क्यूरियोसिटी वाला टेक्स्ट हो वही लिखे, मतलब कि आपकी क्यूरियोसिटी जनरेट करती हो। तो ऐसे कम से कम टेक्स्ट का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटेंशन लो भाई। कम यूज़ करो टेक्स्ट का उतना ही अच्छा होगा, मतलब अच्छे से मेक इट सिंपल रहेगा एकदम सिंपल सा। एंड यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है यूज़ लो क्वालिटी इमेजेस। तो वहीं यहाँ पर इग्नोर करना है कि आपको लो क्वालिटी के इमेजेस यूज़ नहीं करना है। लाइक ब्लरी इमेजेस, पिक्सल रिलेटेड इमेजेस, जिसके पिक्सल फंसा हो ब्लर हो पूरा इमेज, ऐसे इमेज को हमको अवॉइड करना है। ओके, लो रिजोल्यूशन वाले पिक्चर्स को अवॉइड करना है। एंड नेक्स्ट वो जो पॉइंट आ जाता है वो है अवॉइड क्लिकबेट। तो हम लोग को क्लिकबेट को अवॉइड करना है, बट क्लिकबेट तो करना है,
ओके, क्लिकबेट ऐसा करो कि मतलब जो तुम्हारी ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है ना तुमसे, उतना दे सको, उससे ज़्यादा, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा एक्सेप्ट कर रही है तुम उतना प्रोवाइड नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं वो आपके ऑडियंस पे एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो गाइज यही कुछ चीज़ें थी जिससे आपको अपने एक थंबनेल बनाते समय ध्यान में रखते हुए आपको थंबनेल को क्रिएट करना है। एंड आई होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।